हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल पिंटू पीसी चैनल से, और आज हम सीखेंगे कैसे एचपी ओमेन लैपटॉप, जो कि 17 इंची एलईडी स्क्रीन वाला लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं। नहीं नहीं भाई, अभी खोलना नहीं है, पहले हम स्टार्ट करके देखेंगे कि स्क्रीन में ही प्रॉब्लम है या डिस्प्ले ही नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले तो आ रहा है, लेकिन स्क्रीन में काफ़ी लाइंस आ रही हैं और स्क्रीन डैमेज लग रही है। अब हम इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देते हैं और बैटरी निकाल देते हैं। अब हम फ्रंट बेजल, जो कि प्लास्टिक का होता है, उसे अपनी उंगलियों से बाहर की तरफ खींचते हैं, लेकिन थोड़े हल्के हाथों से, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स हैं वो टूट ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे लॉक्स खोल के फ्रंट प्लास्टिक बेजल को हटा दिया है। इसके बाद हम एक प्लस साइन वाले छोटे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। चारों कोनों पे चार चार छोटे स्क्रू लगे हैं, उसे हम खोल लेते हैं। स्क्रू खोलते समय ध्यान रखें, स्क्रीन को हल्का सा पकड़ के रखें, और स्क्रू खोलने के बाद उसे हल्के से लैपटॉप के कीबोर्ड की तरफ उल्टा रख दें। स्क्रीन रखते ही आपको उसमें केबल लगी हुई दिखाई देगी। जैसे कि ये स्क्रीन 30 पिन की है, तो ध्यान से केबल जिस कनेक्टर से कनेक्टेड है उस पर टेप लगी होगी, उसे केयरफुली उतार लें और आपकी स्क्रीन केबल से अलग हो जाएगी। बस अब हमें नई स्क्रीन ऐसे ही कनेक्ट करनी है और चारों स्क्रू लगाने हैं। थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।